भक्तजनों, हम दैनिक श्री रामचरितमानस की कथा अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको सुनाते हैं। आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि आप मेरे चैनल पर आके मेरे द्वारा कही गई राम कथा को सुनिए। इस कलयुग में सिर्फ राम नाम ही आधार है। कम से कम रामचरितमानस सुनने के बहाने कुछ राम का नाम तो हो ही जाएगा। इसलिए कि बाबा तुलसीदास अपने रामचरितमानस में बार बार राम शब्द का प्रयोग किए। तो कलयुग में जोग जप तप हो ही नहीं सकता, एक आधार राम गुण गाना तो कम से कम इस चैनल के देखने के बहाने भी कुछ तो प्रभु नाम का श्रवण हो ही जाएगा। ऐसे भगवान का नाम जो है गांव में लोकोक्ति कहता है कि चीनी के लड्डू टेढ़ो भला, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशु दसहु। तो आइए आज का जो प्रसंग है, जब माता शबरी भगवान में लीन हो गई तो उन्होंने पता बताया था कि आप पंपासुर को जाइए और वहां आप सुग्रीव से मित्रता कीजिए। तो पंपा सरोवर के निकट पहुंचे हुए हैं, पंपा सरोवर की शोभा को देख रहे हैं। अरे देखी राम अति रुचिर तलावा, जय सिया राम जय जय हनुमान, अमज्जनु किन्ह परम सुख पावा, जय सिया राम जय जय हनुमान। देखी सुंदर तरुवर छाया, जय सिया राम जय जय हनुमान, अब बैठे अनुज सहित रघुराया, जय सिया राम जय जय हनुमान। तह पुनि सकल देव मुनि आए, जय सिया राम जय जय हनुमान, स्तुति करी निज धाम सिधाए, जय सिया राम जय जय हनुमान। बैठे परम प्रसन्न कृपाला, जय सिया राम जय जय हनुमान, अकहत अनुजसन कथा रसाला, जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री राम जी ने अत्यंत सुंदर तालाब देखकर स्नान किया और परम सुख पाया। एक सुंदर उत्तम वृक्ष की छाया देखकर श्री रघुनाथ जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित बैठ गए। फिर वहाँ सब देवता और मुनि आए और स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। कृपालु श्री राम जी परम प्रसन्न बैठे हुए छोटे भाई लक्ष्मण जी से रसीली कथाएं कह रहे हैं। अबिरहवंत भगवंत ही देखी, जय सिया राम जय जय हनुमान, अन्नारद मन भा सोच विशेषी, जय सिया राम जय जय हनुमान। अमोर साप करी अंगीकारा, जय सिया राम जय जय हनुमान, असहत राम नाना दुख भारा, जय सिया राम जय जय हनुमान। भगवान को विरह युक्त देखकर नारद जी के मन में विशेष रूप से सोच हुआ। उन्होंने विचार किया कि मेरे ही साप को स्वीकार करके श्री राम जी नाना प्रकार के दुखों का भार सह रहे हैं, यानी कि दुख उठा रहे हैं।
ऐसे प्रभु ही बिलो कई जाई, जय सिया राम जय जय हनुमान, अपुनी न बनहिं अस अबसरु आई। जय सिया राम जय जय हनुमान, यह बिचारी नारद कर बीना, जय सिया राम जय जय हनुमान, गए जहाँ प्रभु सुख आसीना, जय सिया राम जय जय हनुमान। ऐसे भक्त वत्सल प्रभु को जाकर देखूं, फिर ऐसा अवसर न बन पाएगा, यह विचार कर नारद जी हाथ में वीणा लिए हुए वहां गए। कहा प्रभु सुखपूर्वक बैठे हुए थे। गावत राम चरित मृदु बानी, जय सिया राम जय जय हनुमान, प्रेम सहित बहु भाति बखानी, जय सिया राम जय जय हनुमान, करत दंडवत लिए उठाई, जय सिया राम जय जय हनुमान, राखे बहुत बार उरलाई, जय सिया राम जय जय हनुमान। वे कोमल वाणी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान बखान कर रामचरित का गान करते हुए आ रहे थे। दंडवत करते देखकर श्री रामचंद्र जी ने नारद को उठा लिया और बहुत देर तक हृदय से लगाए रखा। अस्वागत पूछी निकट बैठा रे, जय सिया राम जय जय हनुमान, लक्ष्मण सादर चरण पखारे, जय सिया राम जय जय हनुमान। फिर स्वागत कुशल पूछकर पास बैठा लिया। लक्ष्मण जी ने आदर के साथ उनके चरण धोए, नाना विधि विनती करी, प्रभु प्रसन्न जिय जानी, नारद बोले बचन तब जोरी सरो रुह पानी। बहुत प्रकार से विनती करके और प्रभु को मन में प्रसन्न जानकर तब नारद जी कमल के समान हाथ जोड़कर वचन बोले, कि सुनहु उदार सहज रघुनायक, जय सिया राम जय जय हनुमान, असुंदर अगम सुगम वरदायक, जय सिया राम जय जय हनुमान, देहु एक बर मांगउ स्वामी, जय सिया राम जय जय हनुमान, जदपि जानत अंतर्यामी, जय सिया राम जय जय हनुमान। हे स्वभाव ही उदार रघुनाथ जी, सुनिए आप सुंदर अगम और सुगम वर के देने वाले हैं, हे स्वामी मैं एक वर मांगता हूँ वह मुझे दीजिए, यद्यपि आप अंतर्यामी होने के नाते सब जानते ही हैं। अजानौ मुनि तुम मोर शुभाऊ, जय सिया राम जय जय हनुमान, अजन सन कबहु की करउ दुराऊ, जय सिया राम जय जय हनुमान, कवन वस्तु असि प्रिय मोहि लागी, जय सिया राम जय जय हनुमान, जो मुनि बर न सकहु तुम मांगी, जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री राम जी ने कहा कि हे मुनि तुम मेरा स्वभाव जानते ही हो, क्या मैं अपने भक्तों से कभी कुछ छिपाव करता हूँ, मुझे ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय लगती है जिसे हे मुनि श्रेष्ठ तुम नहीं मांग सकते। अजन कहु कछु अदे नहीं मोरे, जय सिया राम जय जय हनुमान, अस विश्वास तजहु जनि भोरे, जय सिया राम जय जय हनुमान। तब नारद बोले हरषाई, जय सिया राम जय जय हनुमान,
अस बर मांगऊ करउ ढिठाई। जय सिया राम जय जय हनुमान। मुझे भक्त के लिए कुछ भी अदेय नहीं है, ऐसा विश्वास भूल कर भी मत छोड़ो। तब नारद जी हर्षित होकर बोले, मैं ऐसा वर मांगता हूँ, यह दृढ़ता करता हूँ। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, जय सिया राम जय जय हनुमान। अश्रुति कह अधिक एकते एका, जय सिया राम जय जय हनुमान। राम सकल नामन ते अधिका, जय सिया राम जय जय हनुमान। अहो नाथ अग खग गण वधिका, जय सिया राम जय जय हनुमान। यद्यपि प्रभु के अनोखे नाम हैं और वेद कहते हैं कि वे सब एक से एक बढ़कर हैं, तो भी हे नाथ राम नाम सब नामों से बढ़कर हो और पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए या बधिक के समान हो। राकार जनी भगति तब राम नाम सोई सोम, अपर नाम उडगन बिमला, बसहु भगत उर व्योम। आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है, उसमें राम नाम यही पूर्ण चंद्रमा होकर और अन्य सब नाम तारागण होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करे। एवमस्तु मुनि सन कहेउ कृपा सिंधु रघुनाथ, तब नारद मन हरस अति प्रभु पद नायउ मात। कृपा सागर श्री रघुनाथ जी ने मुनि से एव मस्तु ऐसा ही हो कहा, तब नारद जी ने मन में अत्यंत हर्षित होकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया। अति प्रसन्न रघुनाथ ही जानी, जय सिया राम जय जय हनुमान। अपुनि नारद बोले मृदु बानी, जय सिया राम जय जय हनुमान। राम जब ही प्रेरे निज माया, जय सिया राम जय जय हनुमान। अमोहु मोहि सुनहु रघुराया, जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न जानकर नारद जी फिर कोमल वाणी बोले, हे राम जी हे रघुनाथ जी सुनिए, जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था, तब विवाह मैं चाहू किन्हा, जय सिया राम जय जय हनुमान। प्रभु के ही कारण करैन दिन्हा, जय सिया राम जय जय हनुमान। सुन मुनि तो ही कहऊ सहरोसा, जय सिया राम जय जय हनुमान। अभजहिं जे मोहि तजी सकल भरोसा, जय सिया राम जय जय हनुमान। तब मैं विवाह करना चाहता था, हे प्रभु आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया। हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूँ कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं, अकरउ सदा तिन कै रखवारी, जय सिया राम जय जय हनुमान। अजिमी बालक राखई महतारी, जय सिया राम जय जय हनुमान। अगह शिशु बक्ष अनल यही धाई, जय सिया राम जय जय हनुमान। अतः राखई जननी अरगाई, जय सिया राम जय जय हनुमान। मैं सदा उनकी वैसे ही रखवाली करता हूँ जैसे माता बालक की रक्षा करती है। छोटा बच्चा जब दौड़कर आग और सांप को पकड़ने जाता है तो माता उसे अपने हाथों से अलग करके बचा लेती है। अप्रौढ़ भयउ
तेहि सुत परमाता, जय सिया राम जय जय हनुमान। अप्रीति करई नहीं पाछिली बाता, जय सिया राम जय जय हनुमान। अमोरे प्रौढ़ तनय समज्ञानी, जय सिया राम जय जय हनुमान। अबालक सुत सम दास अमानी, जय सिया राम जय जय हनुमान। सयाना हो जाने पर उस पुत्र पर माता प्रेम तो करती है, परंतु पिछली बात नहीं रहती, अर्थात मातृपरायण शिशु की तरह फिर उसको बचाने की चिंता नहीं रहती, क्योंकि वह माता पर निर्भर न रहकर अपनी रक्षा आप करने लगता है। ज्ञानी मेरे प्रौढ़ सयाने पुत्र के समान है, और तुम्हारे जैसा अपने बल का मान न करने वाला सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान है। अजन ही मोरी बल निज बल ताही, जय सिया राम जय जय हनुमान। अदुह कह काम क्रोध रिपुआही, जय सिया राम जय जय हनुमान। यह विचारी पंडित मोहि भजहिं, जय सिया राम जय जय हनुमान। अपायहुँ ज्ञान भगति नहीं तजहिं, जय सिया राम जय जय हनुमान। मेरे सेवक को केवल मेरा ही बल रहता है, और उसे ज्ञानी को अपना बल होता है। पर काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए है। भक्त के शत्रुओं को मारने की जिम्मेवारी मुझ पर रहती है, क्योंकि वह मेरे परायण होकर मेरा ही बल मानता है। परंतु अपने बल को मानने वाले ज्ञानी के शत्रुओं का नाश करने की जिम्मेवारी मुझ पर नहीं है। ऐसा विचार कर पंडित जन मुझको ही भजते हैं, वे ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते। काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह कै धारि, अति न मह अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। काम क्रोध लोभ और मद आदि मोह अज्ञान की प्रबल सेना है। इनमें माया रूपिणी माया की साक्षात मूर्ति स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। अशुन मुनि कह पुराण श्रुति संता, जय सिया राम जय जय हनुमान। अमोह विपिन कहु नारी बसंता, जय सिया राम जय जय हनुमान। अजप तप नीम जलाश्रय झारी, जय सिया राम जय जय हनुमान। अहोय ग्रीषम सोखई सब नारी, जय सिया राम जय जय हनुमान। हे मुनि सुनो, पुराण वेद और संत कहते हैं कि मोहरूपी वन को विकसित करने के लिए स्त्री बसंत ऋतु के समान है। जपतम नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री समरूप होकर सर्वता सोख लेती है। अकाम क्रोध मद मत सर्भे का, जय सिया राम जय जय हनुमान। ऐन ही हरस प्रद बरसाए का, जय सिया राम जय जय हनुमान। अदुर्वासना कुमुद समुदायी, जय सिया राम जय जय हनुमान। अतिन कह शरद सदा सुखदायी, जय सिया राम जय जय हनुमान। काम क्रोध मद और मत्सर आदि निढक हैं, उनको वर्षा ऋतु होकर हर्ष प्रदान करने वाली एकमात्र ही स्त्री है। बुरी वासनाएं कुमुदों के समूह हैं, उनको सदैव सुख देने वाली यह शरद ऋतु है। अधर्म शकल सरसी रूह वृंदा, जय सिया राम जय जय हनुमान। होई ही मति नहीं दहई सुख मंदा, जय सिया राम जय जय हनुमान। अपुनी ममता
जबास बहुताई, जय सिया राम जय जय हनुमान। अपलु हई नारी शिशुर ऋतु पाई, जय सिया राम जय जय हनुमान। समस्त धर्म कमलों के झुंड हैं और यह नीच विषय जन सुख देने वाली स्त्री की मृत्यु होकर उन्हें जला डालती है। फिर ममता रूपी जबाश का समूह स्त्री रूपी शिशिर ऋतुओं को पाकर हरा भरा हो जाता है। अपाप उलुक निकर सुखकारी, जय सिया राम जय जय हनुमान। अनारी निबिर रजनी अंधियारी, जय सिया राम जय जय हनुमान। बुद्धि बलशील सत्य सब मीना, जय सिया राम जय जय हनुमान। अबनसी समत्रिय कहि प्रवीणा, जय सिया राम जय जय हनुमान। पाप रूपी उल्लुओं के समूह के लिए यह स्त्री सुख देने वाली और अंधकारमयी रात्रि। बुद्धि बल शील और सत्य ये सब मछलियां हैं और उनको फंसाकर नष्ट करने के लिए स्त्री बंशी के समान है, चतुर पुरुष ऐसा कहते हैं। अवगुण मूल शूल प्रदा प्रमदा शब दुख खानी, ताते किन्न निवारना मुनि मैया जिय जानी। जुवती स्त्री अवगुणों की मूल पीड़ा देने वाली और सब दुखों की खान है, इसलिए हे मुनि मैंने जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से रोका था। अश्विनी रघुपति के वचन सुहाए, जय सिया राम जय जय हनुमान। मुनि मतन पुलक नयन भरियाए, जय सिया राम जय जय हनुमान। कहूँ कवन प्रभु कै असिरीति, जय सिया राम जय जय हनुमान। सेवक पर मम तातु प्रीति, जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री रघुनाथ जी के सुंदर वचन सुनकर मुनि का शरीर पुलकित हो गया और नेत्र प्रेमाश्रुओं के जल से भरा है। ये मन ही मन कहने लगे, कहो तो किस प्रभु की ऐसी रीति है जिसका सेवक पर इतना ममत्व और प्रेम हो। अजे न भजही अस प्रभु भ्रम त्यागी, अज्ञान रंक नर मंद अभागी। अपुनि सादर बोले मुनि नारद, अशुनहु राम विज्ञान विशारद। जो मनुष्य ब्रह्म को त्याग कर ऐसे प्रभु को नहीं भजते वे ज्ञान के कंगाल दुर्बुद्धि और अभागे हैं। फिर नारद मुनि आदर सहित बोले, हे विज्ञान विशारद श्री राम जी सुनिए। असंतन के लक्षण रघुबीरा, जय सिया राम जय जय हनुमान। अकहु नाथ भव भंजन भीरा, जय सिया राम जय जय हनुमान। सुन मुनि संतन के गुण कहऊ, जय सिया राम जय जय हनुमान। अजिनते मैं उनके बस रहऊ, जय सिया राम जय जय हनुमान। हे रघुवीर हे भव्य जन्म मरण के भय का नाश करने वाले मेरे नाथ, अब कृपया करके संतों का लक्षण का वर्णन कीजिए। हे मुनि सुनो, मैं संतों के गुणों को कहता हूँ जिसके कारण मैं उनके बस में रहता हूँ। अखट विकार जित अनघ अकामा, जय सिया राम जय जय हनुमान। अचल अकिंचन सुचि सुखदामा, जय सिया राम जय जय हनुमान। अमित बोध अनिहमित भोगी,
जय सिया राम जय जय हनुमान, असत्य सार कवि कोविद जोगी। जय सिया राम जय जय हनुमान। वे संत काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर, इन 6 विकारों को जीते हुए पाप रहित कामना रहित निश्चल अकिंचन बाहर भीतर से पवित्र सुख के धाम असीम ज्ञानवान इच्छा रहित मिताहारी सत्यनिष्ठ कवि विद्वान योगी। असावधान मनद मदहीना, जय सिया राम जय जय हनुमान। अधीर धर्म गति परम प्रवीणा, जय सिया राम जय जय हनुमान। सावधान दूसरों को मान देने वाले, अभिमान रहित धैर्यवान, धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण, अगुणागार संसार दुख रहित विगत संदेह, अतज मम चरण सरोज प्रिय तिन कहु देह नगे। गुणों के घर, संसार के दुखों से रहित और संदेहों से श्रद्धा छूटे हुए होते हैं, मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको न देही प्रिय होती है और न घर ही। अनिज गुण श्रवत सुनत सकुचाही, जय सिया राम जय जय हनुमान। अपर गुण सुनत अधिक हरसाही, जय सिया राम जय जय हनुमान। समशीतल नहीं त्यागही नीति, जय सिया राम जय जय हनुमान। सरल सुभाव सबहिषन प्रीति, जय सिया राम जय जय हनुमान। कानों से अपने गुण सुनने में सकुचाते हैं और दूसरों के गुण सुनने से विशेष हर्षित होते हैं, सम और शीतल हैं, न्याय कभी त्याग नहीं करते, सरल स्वभाव होते हैं और सभी से प्रेम रखते हैं। जप तप व्रत दम संयम नेमा, जय सिया राम जय जय हनुमान। गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा, जय सिया राम जय जय हनुमान। अश्रद्धा क्षमा मैत्री दाया, जय सिया राम जय जय हनुमान। अमुदिता मम पद प्रीति अमाया, जय सिया राम जय जय हनुमान। ये जप तप व्रत दम संयम और नियम में रत रहते हैं और गुरु गोविंद तथा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं। उनमें श्रद्धा क्षमा मैत्री दया मुदिता और मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है। अबीरति विवेक अभिनय विज्ञान, अबोध जथारथ वेद पुराना। अदम्भ मान मद करही न काऊ, अभूलि न देहि कुमार गपाऊ। तथा वैराग्य विवेक विनय विज्ञान और वेद पुराण का यथार्थ ज्ञान रहता है, वे दंभ अभिमान और मद कभी नहीं करते और भूल कर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते। गावहिं सुनहिं सदा मम लीला, जय सिया राम जय जय हनुमान। अहेतु रहित परहित रतशीला, जय सिया राम जय जय हनुमान। अमुनि सुन साधुन के गुण जेते, जय सिया राम जय जय हनुमान। अकहि न सकहि सा रद श्रुति तेते, जय सिया राम जय जय हनुमान। सदा मेरी लीलाओं को गाते सुनते हैं और बिना ही कारण दूसरों के हित में लगे रहने वाले होते हैं। हे मुनि सुनो, संतों के जितने गुण हैं
उनको सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकते। अकहि सकन सारद शेष नारद सुनत पद पंकज गहे अस दीन बंधु कृपाल अपने भगत गुण निज मुख कहे सिरुनाई बारहि बार चरणनि ब्रह्मपुर नारद गए ते धन्य तुलसी दास आस बिहाई जे हरि रंग रहे। शेष और शारदा भी नहीं कह सकते। यह सुनते ही नारद जी ने श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए। दीन बंधु कृपाल प्रभु ने इस प्रकार अपने श्री मुख से अपने भक्तों के गुण कहे। भगवान के चरणों में बार बार सिर नवाकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे पुरुष धन्य है जो सब आशा छोड़कर केवल श्री हरि के रंग में रंग गए हैं। रावण आरि जसु पावन गावहिं सुनहिं जे लोग राम भगति दृढ़ पावहिं बिनु विराग जप जोग। जो लोग रावण के शत्रु श्री राम जी का पवित्र यश गावेंगे और सुनेंगे वे वैराग्य जप और जोग के बिना ही श्री राम जी की दृढ़ भक्ति पावेंगे। दीप शिखा समजुबती तन मन जनि हो सी पतंग अभजहि राम तज काम मद करहि सदा सतसंग। जुबती स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान है हे मन तू उसका पतिंगा न बन। काम और मद को छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन कर और सदा सत्संग कर। इति श्री मद्रा रामचरित मानसे सकल कली कलुष विद्वंस्वने तृतीय सोपान समाप्त। तो बोलिए जय सिया राम जय जय हनुमान 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 दीन दयाल बिरद संभारी जय सिया राम जय जय हनुमान हरहु नाथ ममु संकट भारी जय सिया राम जय जय हनुमान। एक घड़ी या दो घड़ी या दो में पुनियाद तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। सियावर राम चंद्र की जय अयोध्या राम लला की जय पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। हर हर महादेव।